उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सीबीआई झांसी और महोबा आरपीएफ टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। टिकट बुकिंग में किए जाने वाले फर्जीवाड़े में दोनों टीमों का मिलकर भांडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों पर कार्रवाई के चलते टिकट बुकिंग करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। महोबा आरपीएफ और सीबीआई झांसी द्वारा चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली। टिकट बुकिंग के नाम पर राजस्व चोरी करने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के नौगांव से पकड़ कर लाए दोनों युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल करने की बात कही। आपको बता दें कि रेलवे टिकट के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर काफी दिनों से राजस्व की चोरी की जा रही थी। संयुक्त टीमों द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई में जिले के रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के बीच खासा हड़कंप मच गया। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। ये नौगांव जिला छतरपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। होली के मद्देनजर चलते हुए IRCTC के जो एजेंट है वो अपनी एजेंट आईडी पे टिकट ना बनाकर पर्सनल यूज़र आईडी पे टिकट बना के यात्रियों से अधिक पैसा लेते हैं, और इससे क्या होता है कि रेलवे को नुकसान होता है। अधिकृत जो एजेंट आईडी होती है उन पे टिकट की बिक्री ना करके ये अपने फायदे के लिए पर्सनल यूज़र आईडी पे बिक्री करते हैं। तो इसी चेकिंग में CIB झांसी और RPF पोस्ट महोबा द्वारा ज्वाइंट चेकिंग किया गया, तो ये दो लोग मिले हैं जिनके पास एजेंट आईडी तो है लेकिन ये अपनी एजेंट आईडी पर न करके पर्सनल यूज़र आईडी पर टिकट बनाते हैं। तो इसी अपराध में रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत इनको अरेस्ट किया गया है।